नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है मंगलावरम और ये मूवी आपको किस ओ टी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाबरम इसका अंग्रेजी में अनुवाद मंगलावरम होता है एक दो भारतीय मनोवैज्ञानिक रहस्य थ्रिलर फिल्म है में जो तेलुगु भाषा में डेब्यू हुई है अजय भूपति द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म मीडिया बॉक्स और एक ये बॉक्स के बैनर तले निर्माता सोरी रेड्डी द्वारा भगवती सुरेश वर्मा ए और खुद भूपति सहयोग प्रयासों का दावा करते हैं बी अजनीश अजनीशक्कर लोकनाथ की संगीत रचनाओं के रहस्यमय माहौल को और बढ़ा दिया है जो अपने स्कोर के साथ कहानी को जीवंत बनाते हैं सत्रह नवंबर दो को रिलीज हुई इस फिल्म ने मनोवैज्ञानिक तत्वों रहस्य और मंचकारी कथानक के अपने अनुटमिशन के लिए ध्यान आकर्षित किया है भारत और ग्रामीण शांति के बीच उसे इस बार गाँव में डर का माया लगता है फिल्म जिसका अनुपयुक्त शीर्षक मंगलबरम जिसका अर्थ है कि मंगलबरम है खोपनाक रहस्यों को उजागर करते हैं और गाँव की शांति की भावना को चकनाचूर कर देता है असंगठित प्रतीत होने वाली मौत की एक श्रृंखला घटित होने लगती है जो कभी मंगलवार को होती है जब ग्रामीणों इस शक्तियों पैटर्न से जूझ रहे होते और दुर्जो से पूछाहट हवा में भर रही थी ऐसा ही माया एक तेज और दृढ़ चकनाचूर जो के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी तो और उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा

थ्रिलर मंगलपुरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म में गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलरम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शक में एक जगह हासिल की धूम धूप से बढ़ाओ घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच सुन, का छोटा सा गांव बसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्की गुंजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाव के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए अपनन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़बद की पेड़ पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े, छोपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह भावस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बुढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेघर कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में हीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया और मां ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखेक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की पड़े तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धड़क रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल उड़ानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानी और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजी पीटी किताबों पर ऊँट ले दिया हर की शब्दी के आत्माहार ने उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताजियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशे से वो जांच में गहराई से उतरते हैं बो गांव की प्रतीत होने वाली सतहो के नीचे छिपे रहस्य ओवल तीन हरज अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला वृतित होता है वो जल्दी खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालाक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जुरे जमा छूके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के महत्वपूर्ण है।, तो है।, जो जो है।, है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्रेषण है जो फिल्म केंद्र रहस्य उजागर संकल्पित हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिब्बा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और शंकात्मकता स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक रख अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिमाण फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाववार के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बरबदर के पैर पर पड़ी उसकी नुकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुगासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ऐसी वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिदिन फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी, थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धौर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता जल रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिपृष्टि के रूप में सूर्य के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की युद्ध देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पुष्पीकरण के साथ रानी को पहले एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है बरकात के परी से बचने के लिए चंद्रमा के हब्बों के एक नए आधार खोलते हैं जिसमें ऊप से प्राचीन परमुटों के चीन के गहन दीवार और समुद्र के पार चलचाद भरे शहरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गांव की सीमाओं तक भी सामित थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था

एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्तर प्रति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यार बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे विक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में निहित है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि कि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने बड़ी मन में अम्मा को बरदार की वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागढ़ पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर ऊँढ़ ले दिया हर शब्द के आत्महार कर दियाजुनों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और शम्मा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है तासियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे जिसे वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव के प्रतीत होने वाली प्रत तो के नीचे छिपे रहस्य उभलती नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्व और बढ़ावा देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में कलाकार भूमिका का नेतृत्व कर रहे हैं है। उनके है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेशन है जो फिल्म केन्द्र रहस उजागर करते है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म में गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खोतों का एक नारियल को परे के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवास प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने ही रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाव के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि असुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए अपनन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ की पेड़ पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवास की फैली हुई थी जैसे ऐसी वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद पेड़ के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रच्न पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई

जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के परी से बचने के लिए च्रमान के के, 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 के एक नए आधार खोलते हैं प्राचीन उम्मा के समय के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को उन्होंने उसे छोटे छोटे से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखें निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गाँव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धाघर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हाशोरों पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजीपिटी किताबों पर ऊँट ले दिया हर शब्द की आत्मा हार कर लिया ने उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताशियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गाँव की प्रतीत होने वाली तो के नीचे छिपे रहस्य उभलती नाराजगी अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा

थीर मंगलपुरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज रख अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलरम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाओं के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्वियों का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पेड़ पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ही वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दी महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाक्षा को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तपस्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के 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 लिए के के एक नए आधार खोलते हैं जिसमें उसे प्राचीन के चीन के गहन दीवार और समुद्र के पार चलचात भरे शहरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गाँव की सीमाओं तक भी शामिल थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था उम्मा के इसमाय के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विचवित चीज़ों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुति किया उन्होंने उसे छोटे छोटे घोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक की सुंदरता का सहारना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हर के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने और सीखा अपने उनकी करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताजियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से जांच में गहराई से उतरते हैं गांव की प्रतीत होने वाली के नीचे छिपे अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है मंगलवार को मनोरम कथा के महत्वपूर्ण है।, है।, जो जो है।, है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेषण है जो फिल्म के केंद्र रहस्य उजागर संकल्पित हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शकों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एग्नारियल को परे के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाओं घुबावर के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ऐसी वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छाया ने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा झिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशा मुंग को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तपस्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के परी से बचने के लिए के के एक नए आधार खोलते हैं जिसमें उप से प्राचीन के चीन के उम्मा के, के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजवित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुति किया उन्होंने उसे छोटे छोटे घोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने आस पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरश लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गाँव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्चरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी किताबों पर उन्हें ले दिया हर शब्द कर उसे लिया था उन्होंने अपने को अपने ज्ञान का उपयोग पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताशियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव की प्रतीत होने वाली तो के नीचे छिपे और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्व देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रतिभाशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व तो कर रहे हैं जो जो है। उनके दिर्यों स्च्च दिर्यों स्च्च सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक है तेज और अमेषण है जो फिल्म केन्द्र रह उजागर करते हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्नाव चावल के खतों का एक नारियल को परे के बीच सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवास प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्की गुंजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाव के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह किसान की बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि असुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर के पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुगासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ही वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध पेड़ के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा उठी ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशा को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तपस्टी के रूप में के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के परी से बचने के लिए चंद्रमाण के हबों के एक नए आधार खोलते हैं जिसमें से प्राचीन के चीन के दीवार और समुद्र के पार चलजात भरे सहरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गाँव की सीमाओं तक भी शामिल थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था उम्मा के के की नीचे पड़े थे। उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विचवित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुत किया उन्होंने उसे छोटे छोटे खोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का सहारना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने आस की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी साथ करने की आग्रह किया है एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार के परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस्त लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी ही पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजीपिटी किताबों पर ले दिया हर शब्द के आत्महार कर उसे लिया था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी तो और उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहसा देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के, के नेतृत्व तो कर रहे हैं जो, जो, है। है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेशन है जो फिल्म केन्द्र रहस्य और उजागर संकल्पित हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शकों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्की गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाओं के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग के किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़वकद की पैर पर पड़ी उसकी नुकीली झोड़े सुपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली शुगासी की तरह हवास के फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिदिन पेड़ के पास जाने लगा अपने शेद की प्रचंड पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कार्रिदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशा को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तपस्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के 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 लिए के के एक नए आधार खोलते जिसमें उसे प्राचीन के चीन के दीवार और समुद्र के पार चलचात भरे सहारों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गाँव की सीमाओं तक भी शामिल थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था उम्मा के इसमाय के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजवित चीज़ों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुति किया उन्होंने उसे छोटे छोटे घोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृति की सुंदरता का सहारना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी ओर के साथ साझा करने की आग्रह किया है एक दिन वैसे रानी ने ब्रह्मांड की उत्तर उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों हशरों पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान की, की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताशियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं गांव के प्रतीत होने वाली के नीचे छिपे अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा चूके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के महत्वपूर्ण है।, तो है।, है।, है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्रेषण है जो फिल्म केन्द्र रहस्य उजागर करते हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

र मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16.25 करोड़ हासिल किया जो लगभग 1.94 मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और शंकात्मक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शक में एक जगह हासिल की धूम धूप से बढ़ाओ घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को परे के बीच सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाओं के बगरियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग के किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशु का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए अपनन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन दर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ही वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी की ठंडी छाया ने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुड़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धैर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झलक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशगंगाओं को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल टेपेस्ट्री के रूप में गुरु को एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के पड़ी से बचने के लिए चमांड के वो के एक नए आधार खोलते जिसमें उपरे प्राचीन के चीन के दीवार और समुद्र के पार चलचात भरे सरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गाँव की सीमाओं तक भी शामिल थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था उम्मा के हत्या के की नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजवित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुत किया उन्होंने उसे छोटे छोटे घोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का सहारना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने आस की दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के करने की आग्रह किया है एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गया। और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस् लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गाँव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हश्चरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानी और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजीपीटी किताबों पर ऊँट ले दिया हर शब्द के आत्महार करों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और शम्मा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है तासियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करें जिसे वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव की प्रतीत होने वाली तो के नीचे छिपे रहस्य उभलती नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहसा देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रभावशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व कर रहे हैं उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेशन है जो फिल्म के केंद्र रहस्य उजागर करने के हैं संकल्पित राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थीलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्नाव चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव फंसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुंजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाऊ के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह किसान की बनने का सपना देख रहा था और रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर तो हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि असुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़दर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े छोपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रचंद पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंजती आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखार कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में जीरो की एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की युद्ध देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने आस पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी ओर के साथ साझा करने की आग्रह किया है एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों शुरू पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजीपिटी किताबों पर ले दिया हर शब्द के आत्महार कर लिया था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और शम्मा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी और उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रतिभाशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व तो कर रहे हैं है। उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेशन है जो फिल्म केन्द्र रहस्य और उजागर संकल्पित है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके खुशी कहानी

थिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शकों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को परे के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाववार के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशोक का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपनन की खोज करते समय रानी के नज़र एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ऐसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशा को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तपस्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले को एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

करना कर ना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार के पड़े तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस्त लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागढ़ पर से केवल उड़ाने के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हाशोरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर ऊँट ले दिया हर शब्द के आत्महार कर दिल्हजनों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है तासरियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे जिसे वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव के प्रतीत होने वाली प्रत तो के नीचे छिपे रहस्य उभलती नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा चुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य और बढ़ावा देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रभावशाली कलाकार इस भूमिका का, का नेतृत्व तो कर रहे हैं घायल राजपूत जज सोलजा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्रेषण है जो फिल्म के केन्द्र रहस्य उजागर करने के संकल्पित कर है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी को और जटिल बनाते हैं प्रमुख कुतिकी के अलावा अनुभवी अभिनेता फिल्म भी गहराई अनुभव देती है अजमल अमीर एक यादगार कैमियो भूमिका निभाते हैं जबकि रविंद्र विजय आर एम डी बेषकर भूमिका में घबर देहलाते हैं है। चेतावनी कृष्णा ने जमींदार के किरदार निभाया है जो और अजय घोष ने काशी जादू के रूप में आकर्षित प्रदर्शन किया प्रत्येक अभिनेता और नोटी मोबस्थित उपस्थित प्राथमिकता स्क्रीन पर लाता है एक समृद्ध समुद्री बुनता है और कहानी में गहराई और आयाम जोड़ता है तेलुगु मनोविज्ञान थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन करोड़ हासिल किया जो लगभग वन मिलियन अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और सामाजिक रख अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से अवसर बढ़ाओ घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एग्नारियल को पड़े के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने ही रहते थे उनके दिलों की के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें इन घुबाओं के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशु का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रचंद पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखार कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले को एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

सहना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के करने की आग्रह किया है एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया और ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरश लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हशरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानी और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिजीपीटी किताबों पर ले दिया हर शब्द के आत्महार कर लिहाजों से उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और सामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी और जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहसा देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रतिभाशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व तो कर रहे हैं सोलजा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके निश्चय है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्सन है जो फिल्म के केन्द्र रहस्य उजागर करते हैं संकल्पित है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थित कहानी

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन 16.25 करोड़ हासिल किया जो लगभग वन मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलरम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को परे के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाऊ के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था और रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवाओं में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि असुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़बदर्द की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सुपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद की पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बुरी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंजती आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में जीरो की एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के पड़ी से बचने के लिए चमांड के के, 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 के एक नए आधार खोलते हैं इसमें उमय की हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजी चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुति किया उन्होंने उसे छोटे छोटे से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के करने की आग्रह किया है एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार के पड़े वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस्त लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धाघर पर से केवल उड़ानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिपी किताबों पर उन ले दिया हर शब्द के आत्मा हार कर लिया लिहाजनों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताजियों के पीछे की सच चाय को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव के प्रतीत होने वाली तो नीचे छिपे नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो और सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के नेतृत्व कर रहे हैं जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेषण है जो फिल्म केन्द्र रहस्य और उजागर संकल्पित हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाजक अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को सुन, के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाववार के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए अपनन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बरबदर्द की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सोपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह भावस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद की बास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रचंद पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छाने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं। रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखार कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की युद्ध देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

करना कर ना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने आस पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक विलेंस स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हशरों पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर ले दिया हर शब्द की के आत्माहार करों से लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है तासरियो के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव की प्रतीत होने वाली प्रत तो के नीचे छिपे हुए उभलती नाराजगी और अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छोके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मरोम कथा के केंद्रों में कलाकार भूमिका का नेतृत्व कर रहे हैं है। उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेशन है जो फिल्म केन्द्र रह उजागर संकल्पित है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

र मंगलबर के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन के गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शक में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्नाव चावल के खतों का एक नारियल को परे के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव है इसके छोरे प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मिठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाववार के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवाओं में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशु का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़दर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद की पास जाने लगा अपने शेत की प्रच्त पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छाया ने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी, थी उसके चेहरे पर योग के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धौर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झलक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिपृष्टि के रूप में शुरू के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय माँ के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज पर सवाल उठाने के अपने आस पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ करने की आग्रह किया है एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में निहित है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार के परे वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धाघर पर से केवल उड़ानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हर शुरू पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर उन ले दिया हर शब्द की आत्मा हार कर दिया जिन्होंने से लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी और जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छूके कुरभाव और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रभावशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व कर रहे हैं जो 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 है। उनके है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और जो फिल्म केन्द्र रहस्य उजागर संकल्पित है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज रख अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच सुन सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों की के शिकारों के हल्की गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाउ के भगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था माने बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि असुओं का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़बद की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े छोपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही पेज के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रचंद पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंजती आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्नों सुन लिए हैं रानी एक कारिदाय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखार कर दिए महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में हीरो की एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्य के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है

करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की पड़े तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हशरों पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पिटी किताबों पर ले दिया हर शब्द के आत्महार कर लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और शम्मा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है तासरियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव के प्रतीत होने वाली तो के नीचे छिपे रहस्य उभलती है नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छूके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के, के नेतृत्व तो कर रहे हैं जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेषण है जो फिल्म केंद्र रहस्य उजागर करते हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और शंकात्मक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदर्शकों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के सुन, का छोटा सा गांव बसा है इसके छोरे प्रकृति के के लय साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाववार के बगरियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की सरसराहट और नदी के निरंतर हवाओं में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़दर की पेड़ पर पड़ी उसकी नुकीली झोड़े सोपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुगासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिद्वंद के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रचंद पत्तियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्नों सुन लिए हैं रानी एक कारिदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दी महिलों के सुना उसकी मुस्कान से दयालुता रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिप्टी के रूप में शीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले के एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के परिस बचने के लिए के के एक नए आधार खोलते हैं जिसमें उप से प्राचीन के चीन के करता था उम्मा के समय के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विचवित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुत किया उन्होंने उसे छोटे छोटे खोड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का करना कर सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने आस पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और निरीक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में निहित है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरश लगती है लेकिन जिज्ञासा की और कभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल उड़ाने के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हाशोरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर उन ले दिया हर शब्द की आत्मा हार कर दिल्ली जुनों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है ताशियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है कर्ज करे दिशा से वो जांच में गहराई से उतरते हैं वो गांव के प्रतीत होने वाली तो के नीचे छिपे रहस्य उ नाराजगी और अंधेरे अतीत के जाल को उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुरभाव और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में भूमिका का नेतृत्व तो कर रहे हैं, जो जो सोल जाके निभाते हैं। उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्ल है जो फिल्म केन्द्र रह उजागर संकल्पित है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का नारियल को परे के बीच सुनपुरा का छोटा सा गांव है इसके छोरे निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाऊ के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर तो हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशु का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए अपनन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सुपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ही वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध पेज के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा झिलमिलाती उठी ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेघर कर दिए महिलाओं के धौर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झलक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल तिपृष्टि के रूप में शीरों के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्य के रूप में बताया प्रत्येक पुष्पीकरण के साथ रानी को पहले एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के पड़ी के 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 से बचने लिए एक नए आधार खोलते हैं जिसमें उसे प्राचीन के चीन के गहान दीवार और समुद्र के पार चल भरे शहरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गांव की सीमाओं तक भी शामित थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था

एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्तर प्रति के बारे में एक प्रश्न सूचना समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखेक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में निहित है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि कि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में आमा को वरदार की परे तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धधक रही थी वो गांव लौटा है और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें सजा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के हशरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी घिसीपिटी किताबों पर ले दिया हर शब्द के आत्महार कर उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आती है नाराजगी तो और उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक कहीं अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक अचानक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा छुके कुर और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो और रहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के केंद्रों में प्रतिभाशाली कलाकार इस भूमिका का नेतृत्व तो कर रहे हैं, उसी जो जो सोल के निभाते हैं। उनके सेता है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेषण है जो फिल्म केन्द्र रहस्य और उजागर करते है राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहानी

थील मंगलपुरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और तक स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिमाण फिल्म के अनुमानित उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलम को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच सुनपुरा का छोटा सा गांव बसा है इसके निवास निवासी प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों के शिकारों के हल्की गुंजन और चमेली की मीठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाव के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कोई जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए है उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अशु का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुहासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ही वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा छिलमिलाती उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी उसके चेहरे पर योग यान के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक कारदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखर कर दिए महिलों के धुर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता झक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाशा को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल त्रिपष्टि के रूप में जीरो के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले को एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के परिसे बचने के लिए च्र के के, 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 के एक नए आधार खोलते हैं उम्मा के समय के हत्या के नीचे पड़े थे उन्होंने रानी और मन के दया सहानुभूति के सभी विजित चीजों के प्रति सम्मान के मूल्यों को प्रस्तुत किया उन्होंने उसे छोटे छोटे से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक प्राकृतिक सुंदरता का ना करना सिखाया उन्होंने उनसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के अपने सास पास की दुनिया का समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और अपने ज्ञान के दूसरी के साथ साझा करने की आग्रह किया है। एक दिन ही रानी ने ब्रह्मांड की के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखें, दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखे विक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में अम्मा को बरदार की पड़े तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निरस्त लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल उड़ानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी की यात्रा जारी रही उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियों और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर ऊँट दिया हर शब्द की आत्मा हार कर लिहाजनों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उजागर करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतीत होता है वो जल्द ही खुद को एक ही अधिक भावना रूप से प्रकट करते हैं जिसमें इस आई माया को न केवल एक चालक हत्यारे का सामना करना पड़ता है बल्कि गहरे जोड़े जमा और सामाजिक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है जो सहस्य देते हैं मंगलवार को मनोरम कथा के महत्वपूर्ण है।, है।, जो जो है।, है जो एस आई माया के किरदार निभाते हैं जो एक तेज और अम्लेषण है जो फिल्म केंद्र रहस्य उजागर करते हैं राजेश्वरी देवी के रूप में दिबा पिल्लई राजेश की एक परत जोड़ते हैं जिनके उपस्थिति कहा

थ्रिलर मंगलबरम के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव करोड़ हासिल किया जो लगभग वन पॉइंट नाइन फोर मिलियन है। अमेरिकी डॉलर था अपनी अमेरिकन रिलीज के बाद प्रदर्शन की गिरावट का सामना करने के बावजूद रिलीज पूर्व प्रचार और शंकात्मकता स्वागत के कारण फिल्म गति बनाए रखने और समाज अंतिम उपलब्धि हासिल करने में सफल रही यह परिणाम फिल्म के अनुमानिक उत्पादन बजट को पार कर गया जो कुछ हद तक व्यावसायिक सफलता का संगीत देता है हालांकि ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होने के बावजूद मंगलवार को दर्शकों मिल और उसने तेलुगु सिनेमाई प्रदेशों में एक जगह हासिल की धूम धूप से सरबराह घटी के माध्यम में पन्ना चावल के खतों का एक नारियल को पड़े के बीच बसा सुन, है के के तालमेल बिठाने रहते थे उनके दिलों की के शिकारों के हल्के गुजन और चमेली की मिठी खुशबू के भरे हुए थे उन्हें घुबाउ के बगड़ियों के बीच रानी रहती थी एक दस साल की लड़की जिसका दिमाग के किसी के और से अलग था मानी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी जब वे तितलियों का पीछा कर रहे थे और अपने पिता की तरह की शान बनने का सपना देख रहा था रानी का सिर आकाश से विशाल विस्तार में खो गया था उसका दिमाग ऐसे सवालों के भरा हुआ था जिनके पास कहीं जवाब नहीं था वो टिमटिमाते तारों के देखते हुए घंटों बिताते हुए हैं उन्होंने बदला मौसम और हवा में बत्तों की ससराहट और नदी के निरंतर हवा में पीछे के कारण पर सवाल उठाया उनकी जिज्ञासा कहीं बोझ नहीं थी बल्कि अश्व का एक निरंतर स्रोत और एक आग थी जो उनके भीतर चमकती हुई जल रही थी दी एक दिन अपने घर के पास एक छिपे हुए उपन की खोज करते समय रानी के नजर एक प्राचीन बड़ोदर की पैर पर पड़ी उसकी नकीली झोड़े सूपी की मुड़ी और उसकी और उसकी खाए खागत करने वाली सुगासी की तरह हवस की फैली हुई थी जैसे ऐसी वो करीब आता गया उसने मन में श्रद्धा की और एक जुड़ाव महसूस होता है और ऐसे ही प्रतिबंध फिर के पास जाने लगा अपने क्षेत्र की प्रतिबंध पतियों में जलने लगा और उसने उत्तर की प्रशंसा करने लगे जो कभी नहीं आया एक चिल्लाती चिलचिलाती दोपहर में जब रानी घर की ठंडी छहने नीचे बैठी तो एक अजीब घटना घटी हवा उठी और ट्रक से एक झिलमिलाती आकृति उभरी एक बूढ़ी औरत थी, थी उसके चेहरे पर योग के ज्ञान के अंकित था उसने आंखों सितारों की तरह चमक रही थी बच्चे वो धरती की गूंज थी आवाज में बोली मैंने तुम्हारे प्रश्न सुन लिए हैं रानी एक हृदय खुशी से उबर लगा आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान के प्रति उसकी लालसा को समझा उसने बुढ़िया पर एक के बाद एक अपने सवालों के बेखार कर दिए महिलों के धैर्यपूर्ण सुना उसकी मुस्कान से दयालुता अक्षक रही थी उन्होंने सरल उत्तर नहीं दिए बल्कि रानी की खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया उन्होंने ब्रह्मांड को दूर की आकाश गूंद को कहानियों से बुना हुआ एक विशाल टेपेस्ट्री के रूप में जीवों के एक शक्तिशाली भट्टी के रूप में जी जो जीवन की ये धन देती है और बदले में मौसम का पृथ्वी और सूर्यों के बीच नृत्यों के रूप में बताया प्रत्येक पृष्ठीकरण के साथ रानी को पहले को एक दृढ़ता मिल गया जितना अधिक सपने सीखा उसने जिज्ञासा उतनी गहरी होती गई है वो बुरी औरत जिसने अपना परिचय मां के रूप में दिया है वो अपनी रानी और गुरु के रूप में है के 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 लिए एक नए आधार खोलते हैं जिसमें उप से प्राचीन के चीन के दीवार और समुद्र के पार चल भरे सहरों के पाया है रानी के मन और जो कभी अपने गाँव की सीमाओं तक भी शामिल थे वो महाद्वीपों को उस समय के पार करता था

एक दिन वैसे ही रानी ने ब्रह्मांड की उत्तर उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न सूचता समाप्त किया अम्मा ने कहा मेरे प्यार बच्चे मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन याद रखे दुनिया आपको दीक्षित है अपने चेहरे और देखेक्षण करे और कभी नहीं प्रश्न पूछना बंद करे सबसे बड़ा ज्ञान उत्तरों में नहीं बल्कि उन्हें खोजने की यात्रा में नहीं है रानी का दिल टूट गया वो अम्मा के बहुत करीब आ गए और वो अपने गुरु की आंखों की संभावना को उसे दुख से भर दिया है हालांकि कि वो उसकी बातें समझा गया वो जानता था कि उसकी सीखने की यात्रा भी शुरू हो गई रानी ने भारी मन में आमा को बरदार की पड़े तर्क वापस जाते हुए देखा उसने वादा किया कि थोड़ी निराशा लगती है लेकिन जिज्ञासा की और अभी भी उसके भीतर धक रही थी वो गांव लौट आया और वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक युवा व्यक्ति था जिसका मन कहानियों से भरा हुआ था और वो उन्हें साझा करने की लालसा रखता था उन्होंने अपना ज्ञान अन्य बच्चों के साथ साझा करने की शुरुआत की उन्होंने उन्हें सर्वमंडल विशाल महामारियों के और उनके गांव के बाहर मौजूद विविध संस्कृतियों के बारे में बताया पहले तो उन्हें अविश्वास का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई जल्दी वर्धागर पर से केवल रानी के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए एक मिलन स्थल बन गया क्योंकि वे कहानियों साझा करते थे दुनिया के अश्वरों के पर चर्चा करते थे और एक दिन दुनिया के अपने छोटे से कोने से बड़े जाने का सपना देखते थे रानी यात्रा जारी रही उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की उन्होंने कहानियां और ज्ञान सीखा अपने उनकी घिसी पीटी किताबों पर उन ले दिया हर शब्द के आत्मा हार कर दिया जुड़ों उसे लिया था उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने पिता को खेती की मदद करने के लिए किया और श्यामा की कहानियों से सीखा नई तकनीकों को लागू किया है